अम्मा जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया। चलिए चल के नाश्ता कर लीजिए। नहीं बेटा, मेरा दिन नहीं जा रहा। ऐसा करो कि तुम मंसूर को फोन करके बुलवा लो, बल्कि तुम सबको बुला लो, मंसूर को, सुल्ताना को, नसरीन को। मसले को कहीं तो खत्म होना है ना। अम्मा जी, मैं तो खुद यही चाहती हूँ। ये मसला जितनी जल्दी हल हो जाए उतना ही अच्छा है। फातिमा की हालत देखी थी आपने? उसको इस हाल में देखकर मेरा दिल निकल गया था। जाहिर है, ऐसी हालत में इतना बड़ा दुख उस बच्ची को दिया, ये हालत तो होनी ही थी। मुझे तो लगता है कि मुताहिब को अपने बच्चे से मोहब्बत ही नहीं। शादी करनी ही थी अगर उसको अनिका से कम उसको खैरियत से फारिग तो हो लेने देता। अम्मा जी, आप तो ऐसी बातें मत कीजिए, और खुदा का वास्ता है, ये बात भाईजान के सामने मत कर दीजिएगा। फातिमा को लेकर भाईजान पहले बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनके घर का माहौल इंतहा का खराब हो रहा है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटे नाश्ता लगवा दिया, नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। क्यों बेटा, बगैर नाश्ते के ऑफिस जाओगे तो माँ सारा दिन परेशान रहेगी। हर बात पे इतना इंसिस्ट क्यों करती है? आपसे कहा ना, मेरा मूड नहीं है। मुताहिर, रहने दो साइमा, ऑफिस में कुछ खा लेगा, तुम तो नाश्ता करो। मैं कैसे कर लूंगी नाश्ता अम्मा जी? मेरा बेटा बगैर नाश्ते के ऑफिस चला गया, मेरे हलक से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। और ये फातिमा भी नहीं उठी, पता नहीं सो रही हो। जगाती हूँ उसे जाकर। सोने दो उसे साहब, उसके लिए इस वक्त आराम करना ज्यादा बेहतर है। तुम कहीं जा रही हो? घर जा रही हूँ। इस वक्त? अगर जाना ही था तो मुताहिर के साथ चली जाती, वो तुम्हें ड्रॉप कर देता। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। कुछ सवाल हैं जिनके मुझे जवाब चाहिए, और उनके जवाब सिर्फ मुझे अनिका ही दे सकती है। तुम्हारा इस तरह से वहां जाना ठीक नहीं है बेटा। उसको जाने दो साहब, जाओ बेटा, देखभाल के जाना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या किया आपने अम्मा जी? फातिमा को जाने की इजाजत क्यों दी? जानती हैं आप, वहां जाके वो हंगामा बर्पा करेगी। साइमा, उसके दिल की घुटन को लफ्जों में निकल जाने दो, वरना उसके अंदर का शोर तूफान बर्पा कर देगा। जाओ तुम नाश्ता करो।